हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू यू एल क्लासेज आई एम गोइंग टू टीच यू द फर्स्ट लेसन ऑफ द इंग्लिश बुक ब्लूसम पार्ट फाइव नो बडीज फ्रेंड किसी का दोस्त नहीं ओके स्टूडेंट्स सो एक ज़रूरी बात बच्चों बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन इस सबक को शुरू करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू दैट की यू मस्ट लिसन केयरफुली टू द फर्नशिएशन ऑफ़ एवरी वर्ड ऑफ दिस लेसन आपको इस सबक के एक एक अल्फाज को सही तलफ़ के साथ सुनना है और उसको मेरे साथ दोहराना है ट्राई टू रिपीट विथ मी ओके बच्चों चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले हम येलो कलर की बॉक्स में देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है ओके बच्चों इसमें इज़ देअर एनी ऑन एमोंग डज नॉट हैव फ्रेंड्स इफ यस वाई इज देअर एनी ऑन अमंग कोई ऐसा है अमोंग यू आपके बीच में अमोंग का माना होता है बच्चों बीच में दरमियान में इज दियर एनी ऑन अमोंग यू क्या आपके दरमियान या आपके बीच में कोई ऐसा है हु डज़ नाट हैव फ्रेंड्स जिसका कोई दोस्त ना हो जिसका दोस्त नहीं है इफ़ यस yes, हाँ अगर हाँ नहीं है तो वाई क्यों वाई नाट अ फ्रेंड क्यों एक दोस्त नहीं है वाई मतलब वॉट इज़ द रीज़न वजह क्या है आपको वो बतानी है ओके okay, बच्चों चलिए फिर दूसरी लाइन देख लेते हैं दूसरी लाइन में है वट डिफरेंट थिंग्स डू यू शेयर विथ योर फ्रेंड्स कौन सी ऐसी अलग चीज़ है जो आप अपने दोस्तों के साथ बांटते हैं साझा करते हैं शेयर करते हैं ओके बच्चों उसके बाद तीसरी लाइन में है नेम सम ऑफ द थिंग्स नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट योर फ्रेंड्स लाइक डोंट लाइक जो आपके फ्रेंड कुछ ऐसे नाम बताइए कुछ ऐसे नेम सम ऑफ द थिंग्स कुछ ऐसी चीज़ों का नाम बताइए दैट योर फ्रेंड्स लाइक डोंट लाइक जो आपके दोस्त लोग जिसे पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं वो आपको बताना है उसके बाद चौथी लाइन है हाउ डू यू फील आप कैसा महसूस करते हैं विन कब योर फ्रेंड्स इंजॉय द थिंग्स जब आप के दोस्त लोग मज़े करते हैं उन चीज़ों से थिंग्स उन चीज़ों से दैट यू शेयर विद दैम जो आप उनके साथ साझा करते हैं जो आप उन्हें हैं या देते हैं हाउ डू यू फील आप कैसा महसूस करते हैं वन योर फ्रेंड्स इंजॉय द थिंग्स दैट यू शेयर विद दैम जो चीज़ें आपने अपने दोस्तों को दिया जब वो उनके साथ मज़े करते हैं इंजॉय करते हैं तो आप उस वक्त कैसा महसूस करते हैं ओके okay बच्चों चलिए फिर एक बार कह देते हैं इज़ देयर एनी वन एमोंग यू क्या आपके बीच में कोई ऐसा है हु डज़ नॉट हैव फ्रेंड्स जिसका दोस्त नहीं है इफ़ यस yes, अगर हाँ वाई तो क्यों वट डिफरेंट थिंग्स डू यू शेयर विथ योर फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों के साथ कौन सी अलग चीज़ शेयर करते हैं बांटते हैं नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट योर फ्रेंड्स लाइक डोंट लाइक कुछ ऐसी चीज़ों का नाम बताइए जो आपके दोस्त लोग पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं हाउ डू यू फील आप कैसा महसूस करते हैं वन योर फ्रेंड्स इंजॉय द थिंग्स जब आपके दोस्त लोग इंजॉय करते हैं उन चीज़ों को दैट यू शेयर विद दैम जो आप उनके साथ साझा करते हैं ओके okay बच्चों चलिए आगे देखते हैं अब हम पोएम को पढ़ते हैं सबसे पहले हम पोएम को रीडिंग कर लेंगे उसकी प्रोनंसिएशन को अच्छी तरह सुनेंगे उसके बाद फिर हम उसका ट्रांसलेट करेंगे ओके okay बच्चों चलिए शुरू करते हैं सी हैड सम स्वीट्स दैट सी उडेंट शेयर सी हैड सम स्वीट्स दैट सी उडेंट शेयर सी हैड अ बुक सी हैड अ बुक दैट सी उडेंट लेट सी उडेंट लेट एनी वन प्ले

and ate every bit and ate every bits he had some toffee and ate every bit he had a tricycle he wouldn't lend he had a tricycle he wouldn't lend he never let anyone play with his train he is nobody's friend he never let anyone play with his train he is nobody's friend okay But I will share all my sweets with you. But I will share all my sweets with you. My ball and my books, games I will lend. My ball and my books, games I will lend. Here's half my apple. आप लोग एप्पल कहते हैं एप्पल कहते हैं लेकिन एप्पल कहना है क्या कहना है एप्पल लेट मी रिपीट बच्चों, एप्पल। हियर्स हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक एम योर फ्रेंड एम योर फ्रेंड ओके ओके स्टूडेंट चलिए अब हम इसका हिंदी अनुवाद इसकी हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं इसमें एक बच्चे के बारे में है जिसका कोई भी दोस्त नहीं है जिसकी कोई भी सहेली नहीं है तो क्यों नहीं है वॉट इज़ द रीज़न वजह क्या है तो हम इस पोएम में जानेंगे चलिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं सबसे पहली लाइन है बच्चों सी हैड सम स्वीट्स स्वीट्स का माना होता है बच्चों मिठाइयाँ ये नाउन है मिठाइयाँ ओके okay बच्चों सी हैड सम स्वीट्स उसके पास कुछ मिठाइयाँ हैं दैट सी वेंट शेयर जो किसी को नहीं बाँटेगी जो वो किसी को नहीं बांटेगी. दैट सी उडेंट शेयर जो वो किसी को नहीं बांटेगी. सी हैड सम स्वीट्स उसके पास कुछ मिठाइयाँ हैं दैट्स उडेंट शेयर जो वो किसी को नहीं बांटेगी. उसके बाद दूसरी लाइन में देखिए सी हैड अ बुक उसके पास एक किताब है दैट्स उडेंट लैंड वो किसी को उधार नहीं देगी लैंड का माना होता है बच्चों उधार देना ओके okay? आप लिख लीजिए अपनी कापी में लैंड माने उधार देना टू गिव समथिंग टू समबडी ऑन द कंडीशन दैट इट इज़ रिटर्न किसी को इस शर्त पर कोई चीज़ देना कि आप उसे रिटर्न ले सको ओके okay? कोई भी चीज़ किसी को वक्ती तौर पर देना उसको हम लैंड कहेंगे क्या कहेंगे लैंड लैंड माने उधार देना सी हैड अ बुक उसके पास एक किताब है दैट सी उडेंट लैंड वो किसी को उधार नहीं देगी सी उडेंट लेट एनी ऑन प्ले वो किसी को भी खेलने नहीं देती है विथ हर डॉल अपनी गुड़िया के साथ डॉल का माना होता है बच्चों गुड़िया सी उडेंट लेट एनी ऑन प्ले उथ हर डॉल वो अपनी गुड़िया के साथ किसी को खेलने नहीं देती है सीज़ नो बडीज फ्रेंड उसकी कोई सहेली नहीं उसका कोई दोस्त नहीं क्योंकि जब वो कोई चीज़ नहीं शेयर करेगी नहीं बाँटेगी तो फिर उसकी कोई सहेली कैसे बनेगी चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या है बच्चों इसमें एक लड़का के बारे में है जिसके पास आ, कुछ चीज़ें होती हैं जो वो किसी को नहीं देता इसलिए उसका भी कोई दोस्त नहीं होता है चलिए इसका भी ट्रांसलेशन देख लेते हैं ही हैड टॉफ़ी उसके पास कुछ टॉफ़ी है टॉफी चॉकलेट जिसको हम आम भाषा में चॉकलेट भी कहते हैं लेकिन टॉफी टॉफी का माना टॉफी ही होता है जो शक्कर और क्रीम को गलाकर बनाया जाए ओके बच्चों सी हैड सम टॉफ़ी उसके पास कुछ टॉफ़ी है एंड एट एवरी बिट बिट का माना होता है बच्चों टुकड़ा एवरी बिट हर टुकड़े को सी हैड सम टॉफी उसके पास कुछ चॉकलेट है एंड एट एवरी बिट और हर टुकड़े को अकेला ही खाता है यानी उसके पास कुछ चॉकलेट है वो अकेला ही खा जाता है ही हैड अ ट्राई साइकिल ट्राई साइकिल माना हो का माना होता है बच्चों तीन पहिए वाली साइकिल लिख लीजिए अपनी कापी में अ साइकिल हैविंग थ्री व्हील्स एक साइकिल जिसमें तीन पहिए हैं लैंड माने आप जान चुके हैं ही हैड अ ट्राई साइकिल उसके पास एक तीन पहिए वाली साइकिल है ही वोडेंट लैंड जो वो किसी को उधार नहीं देती आम तरीके से बच्चों ट्राई साइकिल साइकिल हैविंग थ्री व्हील्स जिसमें तीन पहिए हो वो साइकिल बच्चे चलाते हैं क्योंकि आगे एक पहिए हो, होता है और पीछे की तरफ दो पहिए होते हैं आप देखे होंगे ओके उसके बाद तीसरी लाइन देख लीजिए ही नेबर लेट एनी ऑन प्ले वो कभी भी खेलने नहीं देता है किसी को भी विथ हिस्स ट्रेन अपनी ट्रेन के साथ या ट्रेन बच्चों वाली ट्रेन जो आप लोग मेले में खरीदते हैं वही ट्रेन के बारे में बताया जा रहा है ओके बच्चों ही नेवर लेट एनी वन प्ले वो किसी को कभी भी खेलने नहीं देता हिज ट्रेन अपनी ट्रेन के साथ ही इज न बडीज फ्रेंड उसका कोई दोस्त नहीं यही वजह है जवाब मिल गया वो कोई भी चीज़ अपनी कोई भी चीज़ किसी को भी नहीं देता है ही इज़ नो फ्रेंड दैट इज़ द रीज़न इस यही वजह है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है चलिए अब आगे देख लेते हैं आगे एनेड ब्लाइटन जो इस पोएम का राइटर है जो इस पोएम वो अपने बचपन की बात आपके सामने शेयर करते हैं ओके बच्चों चलिए देख लेते हैं वो क्या कहते हैं कि बट आई विर ऑल माई स्वीट्स विथ यू स्वीट्स का माना भी आप जान चुके हैं शेयर माने बांटना बट आई विल शेयर लेकिन मैं दूँगा ऑल माई स्वीट्स मेरी सारी मिठाइयाँ ऑल माई स्वीट्स मेरी सारी मिठाइयाँ विथ यू तुम लोगों को बट आई विर ऑल माई स्वीट्स मेरी सारी मिठाइयाँ तुम लोगों को दूँगा माई बॉल मेरे मेरी गेंद एंड माय बुक्स और मेरी किताबें गेम्स मेरे खिलौने विल लैंड मैं उधार दूंगा मेरी गेंद मेरी किताबें मेरे खिलौने आयुर्लैंड मैं उधार दूंगा हियर्स हाफ माय एप्पल हियर्स हाफ माय एप्पल एंड हाफ माय केक यहाँ आधा मेरा सेब और आधा मेरा केक है यानी वो कह, कहना चाहते हैं कि देट इज़ फ्रोम माई फूड टू प्लेइंग खेलने से लेकर खाने की चीज़ तक हाफ ऑफ एवरी थिंग इज़ फॉर यू माई डियर फ्रेंड्स हर चीज़ का आधा तुम लोगों के लिए मेरे दोस्त एंड हाफ फॉर मी और आधा मेरे लिए यानी मैं तुम लोगों को शेयर करूँगा उसके बाद लास्ट में एन ब्लाइटन कहते हैं कि आम योर फ्रेंड मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ओके बच्चों ओके चलिए यहीं से हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनिए क्योंकि अंग्रेज़ी सीखने के लिए सुनना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है बच्चों रीडिंग और राइटिंग के साथ साथ लसनिंग भी बहुत इम्पॉटेंट है इसलिए यू नीड टू लिसन ओके बच्चों केयरफुली थैंक यू